संतोष और महेश पहली ओवर की पहली गेंद गड़े हैं, जगन जी हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने पुराने खिलाड़ी यहाँ पर इस मैदान पर, रानू जी मैदान पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैच शाहपुर तालुका में, यहाँ पर साकुरली गांव के एक रानू जी मैदान, काफी खूबसूरत मैदान यहाँ पर यह मैच, अब तीसरे दिन का दूसरा मैच आप देख रहे हैं जय हनुमान मांडेश्वर आदर्श विलुक टीम के बीच में। आदर्श विलुक टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र क्षेत्र करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है जय हनुमान टीम के लिए। जय हनुमान टीम के एक सकौर के ऊपर से खेला गेंद सीमा रेखा की ओर जा रहे हैं और वन बॉल चार रन, दूसरी गेंद पर चार रन। ऐसे ही लगातार दो गेंदों में दो बाउंड्री, दो चौके लगे हैं, दो इस दो चौके की सहायता स्कोर कर पहुंचा आठ रन। पहले क्षेत्र में फिर से खेलने का प्रयास किया, वहां पर लॉन्गन क्षेत्र में जा रही गेंद और ये चार रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। जैसे कि लगातार तीन गेंदों में तीन बाउंड्री, जय हनुमान मांडोशी टीम के एक शुरुआत, प्रारंभिक शुरुआत काफी बेहतरीन हो चुकी है। खेलने का प्रयास किया, वहां पर पहली गली से गेंद चली गई है वहां पर, लेकिन अच्छा क्षेत्र जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा मिला है और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा चार रन, जैसे कि स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 13 रन। तीन चौकों की सहायता से योगेश और एक रन के साथ कुल मिलाकर 13 रन जोड़ दिए हैं अपनी टीम के लिए, अच्छा खासा साझा प्रदर्शन यहां पर किया है जय हनुमान मांडोशी टीम के दोनों में प्रारंभिक बल्लेबाज योगेश और महेश। देखना है कि किस प्रकार से अपने बल्लेबाजी का प्रयास करते हैं। फिर से खेलने का प्रयास किया, उसी प्रकार से गेंद जा रही है वहां पर सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है मेरे ख्याल से, और यहां पर ये जब तक गेंद फील करे चार रन। पहला चौका बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन यहां पर बल्लेबाजी का, प्रारंभिक बल्लेबाज योगेश और महेश दोनों भी नामांकित बल्लेबाज जय हनुमान मांडोशी टीम के, अगली गेंद का सामना करेंगे। एक सकौर के ऊपर से खेला सीमा रेखा गोर आ रही है और यहां पर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, निश्चित तौर पर जज नहीं कर पाए, एक अच्छा कैच हो सकता था लेकिन लॉन्ग ऑन से जब तक लॉन्ग ऑफ से जब तक खिलाड़ी वहां पर पहुंच आए, और इस ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 19 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा 19, काफी महंगे साबित हो चुके हैं मेरे ख्याल से यहां पर रतन वारगड़े, मैं कहूंगा बार बार कहूंगा क्योंकि रतन और यहां पर जो को उमेश है, प्रकाश है, जगन है, मैं उनको पहचानता हूं, करीबन 30 साल से मैं देख रहा हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन अभी जैसे कि क्रिकेट हो या जो भी खेल हो सातत्य होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आजकल कम प्रैक्टिस होती है। दो दिन पहले मेरी बातचीत हो चुकी थी जो स्वयं कप्तान आदर्श विलुक टीम के स्वयं कप्तान अपना क्षेत्ररक्षण लगा रहे हैं, यह पांच ओवर का मैच रहेगा और पांच ओवर के मैच में जैसे कि दो ओवर सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर, तीन ओवर कुल मिलाकर पांच ओवर का मैच, और अभी स्वयं गेंदबाजी का भार संभालेंगे आदर्श विलुक टीम के आदर्श कप्तान उमेश वारगड़े। जैसे कि उमेश वारगड़े काफी आदर्श और नामांकित गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, लेकिन प्रैक्टिस अभी कमी है, और लेकिन यहां पर दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि उमेश जी के जो छोटे लड़के हैं, बच्चे का नाम उन्होंने भी आदर्श रखा है, तो एक आदर्श संघ के आदर्श कप्तान गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं, और सामने हैं योगेश जिन्होंने चार चौकों की सहायता से एक रन के बदौलत से स्कोर कर पहुंचा अभी भी 19 रन। खेलने का प्रयास किया वहां पर और एक रन का इजाफा मिला है, जब तक गेंद फील करे अच्छी
पवार साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झाले आहे। त्यांचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतोय आणि या ठिकाणी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय मंचा वतीने आणि या क्रिकेट मॅचच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी पवार साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक त्यांचं मनस्वी या ठिकाणी स्वागत करतोय। उमेश वारगडे की पहिली ओवर की दुसरी ओवर की अपनी निजी पहिली ओवर की पहली गेंद पर एक रन दिया है। मैं कहूंगा कि उमेश वारगडे स्पिन बहुत अच्छे करते हैं, स्लो गेंद डालने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास करते हैं और देखना यही है कि योगेश और महेश की जो रनिंग रफ्तार है वो किस प्रकार से रोकने का प्रयास करते हैं। एक अनुभवी गेंदबाज के तौर पर उमेश जी खेलने का प्रयास किया वहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षक प्रकाश जी के, लेकिन उतना अच्छा थ्रो नहीं है जब तक कि गेंद फील करे, लेकिन जब तक कि गेंद फील करे दोनों के बीच में अच्छी रनिंग रफ्तार। प्रकाश वारगड़े एक मेरे अच्छे मित्र, लेकिन वहां पर भी अच्छा क्षेत्ररक्षक उन्होंने जरूर किया है, लेकिन उतना थ्रो अच्छा न होने की वजह से थोड़ी बहुत गलती होती है। मैंने कहा कि क्रिकेट में या किसी भी खेल में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कम हो जाती है तो उसका नतीजा तो हमें भुगतना पड़ता है। स्कोर कार्ड भी पहुंचा है 21 रन बन चुके हैं 21। दोनों भी प्रारंभिक बल्ले बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। महेश खेल रहे हैं 10 रन पर, अगली गेंद का सामना करेंगे। महेश खेलने का प्रयास किया, हवा में गेंद है यहाँ पर और वन बाउंस बाउंड्री 4 रन के लिए। खेलने का प्रयास किया, वन बॉल चौका मिला है, पांचवा चौका उनके बल्ले से निकलता है। स्कोर कार्ड पहुंचा है 25 रन। फिर से खेलने का प्रयास किया, स्कोरले क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है जब तक ये गेंद फील करा और ये 4 रन। सर एक और चौके की सहायता से स्कोर कार्ड पहुंचे 29 रन बन चुके हैं। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर गणों का मैं पाटिल सर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का यहां पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्कोर कार्ड पहुंचा 29 रन। खेलने का प्रयास और यहां पर जगन के हाथ से गलती हो चुकी है, थोड़ी बहुत गलती होती रहती है उसी प्रकार से, लेकिन उसका परिणाम तो भुगतना हमें पड़ता ही। और यहां पर एक एक रन के लिए जूझ रहे हैं दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज, काफी नामांकित बल्लेबाज लग रहे हैं योगेश और महेश जो हनुमान मांदोशी टीम के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कोर कार्ड पहुंचा 29 रन। खेलने का प्रयास किया और यहां पर फिर से गलती, गेंदबाज करे तो क्या करे, बार बार अगर इस प्रकार से गलती होती है तो। और इस ओवर की समाप्ति, इस ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 30 रन। दो ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 30 रन। पहले ओवर में पहला ओवर रतन ने डाला था, 19 रन दिए थे और उसके बावजूद उमेश ने निजी पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर डाला था। स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 30 रन बन चुके हैं। 21 तारीख से यहां पर यह मैच का सिलसिला जारी है। पानी घूमता था 21 तारीख से यहां पर यह मैच का सिलसिला जारी है। पानी यहाँ पर तो देख रहे हैं मैच साकुरले के रानोजी मैदान में। आप शाहपुर तालुक में यूट्यूब से देखने वाले सभी, देखने वाले और सुनने वाले सभी दर्शकों का मैं पाटिल सर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह से यहां पर बहुत ही सुंदर मैच, यहां पर खूबसूरत मैच देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी जो मैच आप देख रहे हैं आदर्श बेलुक टीम और जय हनुमान मांदोशी टीम के बीच में यह मैच, पांच ओवर का मैच, सर्कल के अंदर दो ओवर और सर्कल के बाहर तीन ओवर, कुल मिलाकर पांच ओवर का मैच। दो ओवर अभी तक खत्म हो चुके हैं। पहला ओवर रतन वारगडे ने डाला था, उसमें उन्होंने कुल मिलाकर 19 रन दिए थे, लेकिन उसके बावजूद उमेश ने दूसरा ओवर डाला था, अपना निजी पहला ओवर डाला था और उसमें उन्होंने 11 रन दिए थे। दौर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 30 रन बन चुके हैं। निश्चित तौर पर मैं सराहना करूंगा अंपायर सचिन चौधरी
और अक्षय साबले दोनों भी कॉलीबेट अंपायर अगली गेंद का सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, हवा में गेंद और यहां पर अच्छा जज किया और विकेट का पतन। विकेट की सफलता मिली है। अगली गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंद, नपीतुली गेंद आने का प्रयास, वहां पर थोड़ी बहुत जरूर उछाल हो चुकी थी, लेकिन अंकल को मेरे ख्याल से पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल चुका है। पहले गेंद पर उन्होंने विकेट ली है, दूसरी गेंद बेहतरीन डाली है। अभी देखना है कि बल्लेबाज को किस प्रकार से चकमा देते हैं। फिर से खेलने का प्रयास, ऑफ साइड में चली जाने वाली गेंद थी, देख रहे थे बल्लेबाज, लेकिन क्वालिफायर अंपायर यहां पर सचिन चौधरी और अक्षय साबले दोनों भी एक नामांकित अंपायर के जरिए अपना कामकाज निभाते हैं। तो ऑलराउंडर के जरिए सचिन चौधरी अपना कामकाज करते हैं। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद डालेंगे और सामना करेंगे महेश। महेश के लिए राइट हैंड बल्लेबाज महेश, थोड़ी उछाल जरूर मिली थी, लॉन्ग ऑन पर क्षेत्र में खेला, यहां पर लॉन्ग ऑन पर गेंद आए, जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा मिला है, और जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 31 रन बन चुके हैं। थोड़ी बहुत बांध कर रखा है बल्लेबाज को, जिस प्रकार के रनों की रफ्तार थी, पहले ओवर में 19 रन, दूसरे ओवर में 11 रन, तीसरा ओवर जारी है अंकल का, खेलने का प्रयास किया वहां पर, और लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत वाइड गेंद चली गई है और ये अतिरिक्त रन मिला है। जैसे कहा जाता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में या 2020 में एक एक रन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो बल्ले से आए, चाहे गेंद से आए, चाहे वो बदन से आए। खेलने का प्रयास किया, हवा में गेंद जरूर है और अच्छा क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, कैच को आसान बना दिया है और एक विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। ये मास्टर, थैंक यू डीजे मास्टर। जैसे कि अंकल की ओर काफी महत्वपूर्ण रही है, अंकल की गेंद का सामना करेंगे अभी महेश। देखने के रंजीत आए हैं, उसके बाद खेलने का प्रयास किया और ऐसा गोल कॉर्नर से खेला, हवा में गेंद और सीमा रेखा के बाहर, रन। इस छक्के की सहायता से स्कोर कर पहुंचा है अभी भी 38 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 38 रन बन चुके हैं। निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी गेंदबाज की कि थोड़ी बहुत उन्होंने काबू में रखने का प्रयास किया है। अभी देखना है कि रंजीत अपने टीम के लिए किस प्रकार से सजाते हैं। किरण पैवलियन में लौट चुके हैं, अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन योगेश पैवलियन में लौट चुके हैं, 25 रन बनाए हैं। जय हनुमान मांडोशी टीम के योगेश, जो कि 25 रन बनाकर पैवलियन में लौट चुके हैं। महेश प्राणवीर बल्लेबाज अभी भी खेल रहे, देखना है कि रंजीत अपनी टीम के लिए क्या करिश्मा करते हैं। दोस्तों मैं कहूंगा, हम अपने नाम के लिए करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं अपने नाम के लिए करते हैं, नाम से यहां मशहूर हो जाते हैं। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि 23 साल से यहां पर, जैसे कि डोरखा में मैं अपना समालोचन देता हूं, कॉमेंट्री देता हूं, एक पार्टी सर के जरिए
सभी मुझे पहचानते हैं, आप सबका प्यार लेकर आता है। तो उमेश वारगड़े अगली गेंद लेकर आए हैं, खेलने का प्रयास किया, सेट आउट कैसी मारे काका बाहर छोड़न। ऐसा लगा कि उस गेंद के ऊपर छक्के की मोहर लगी थी। जैसी गेंद बल्ले पर आई सीमा रेखा के बाहर हो चुकी। पहली वहली गेंद पर 6 रन, स्कोर कार्ड पहुंचा है 44 रन। 44 रन उमेश वारगड़ी की अगली गेंद का सामना करेंगे रंजित। खेलने का प्रयास किया, उसी प्रकार से खेले सीमा रेखा के बाहर और 6 रन। जैसे कि रणजीत के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, सुंदर खूबसूरत छक्का। करे तो क्या करे गेंदबाज, करे तो क्या करे, क्योंकि अगर बल्लेबाज उसी प्रकार से धुआंधार अगर प्रदर्शन करता है तो अगर गेंदबाज क्या करे। मैंने कहा यहां पर प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि आदर्श वेलू टीम के एक आदर्श कप्तान उमेश की गेंद का सामना करेंगे रणजीत। खेलने का प्रयास किया, सेट आउट के ऊपर से खेले सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही। जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा तो मिल चुका, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, स्कोर कार्ड पहुंचा 51 रन बन चुके हैं, 51 रन। अच्छी रनिंग रफ्तार दोनों के बीच में। उमेश वारगड़ी के अगली गेंद का सामना करेंगे महेश, महेश के लिए गेंद डालेंगे। खेलने का प्रयास किया और फिर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन। छक्कों की बरसात बौछार हो रही है। मुझे यहां पर समालोचक पिछले समाचार में उन्होंने कहा कि यहां पर कुल मिलाकर 130 से ऊपर छक्के लगे हैं। खेलने का प्रयास करेंगे, खेलने का प्रयास किया, वहां पर स्लो गेंद डालने का प्रयास किया, थोड़े बहुत चकमा खा गए बल्लेबाज। खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर महेश ने, लेकिन महेश चकमा खा गए मेरे ख्याल से। महेश के बल्ले से दो अभी तक छक्के लगे हैं और एक शानदार चौका लगा है। देखना है कि किस प्रकार से आप बल्लेबाजी का करिश्मा करते हैं। उमेश की गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास किया है, हवा में गेंद है, कॉटन बॉल चांस है वहां पर और आसान से कैच, विकेट का यहां पर पतन हो चुका है, तीसरे विकेट का पतन। महेश अपने अपने टीम के लिए 20 रन जोड़ दिए महेश ने, और योगेश ने कुल मिलाकर 25 रन जोड़ दिए हैं। निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी राणोजी मैदान पर। यह मैच आप देख रहे हैं तीसरे दिन का दूसरा मैच, आदर्श वेलुक टीम और जय हनुमान मांडुश के बीच में यह मैच जारी है। चौथा ओवर जारी करेंगे, पांच और डालेंगे दिगंबर, पांचवा ओवर डालेंगे दिगंबर। पहला ओवर डाला था रतन ने, उसमें उन्होंने 19 रन दिए थे, उसके बावजूद उमेश ने दूसरा ओवर डाला था 11 रन दिए थे, अंकल ने तीसरा ओवर डाला था 8 रन दिए थे, उमेश ने चौथा ओवर डाला था उसमें उन्होंने 19 रन दिए थे। अभी देखना है कि दिगंबर अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। दिगंबर की गेंद का सामना करेंगे दीपक, क्या करते हैं दीपक अपने टीम के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज दीपक के लिए गेंद डालेंगे दिगंबर। खेलने का प्रयास किया, वहां पर बल्ला घूमा लेकिन कुछ मुनाफा नहीं हो चुका है। पहली गेंद तो बहुत अच्छी हो चुकी है, अच्छे ओवर डाले है वहां पर, अंकल ने बहुत बेहतरीन ओवर डाला है, लेकिन रतन ने पहला ओवर डाला था उसमें 19 रन दिए थे। मैंने कहा कि प्रैक्टिस के जरिए से थोड़ा बहुत कमी महसूस हो चुकी है, अगली गेंद का सामना करेंगे दीपक के लिए गेंद। निश्चित तौर पर नपीतुली गेंद प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करें दिगंबर।
आदर्श वेलुक टीम के दिगंबर निश्चित तौर पर सराहना करने होगी, अब तक बल्लेबाज को बांध कर रखा है। जिस प्रकार से योगेश ने और महेश ने अपना प्रदर्शन किया था उसी प्रकार से तो अभी तक तो प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा 58 रन बन चुके हैं। क्वालिफाइड अंपायर सचिन चौधरी और अक्षय साबले दोनों भी नामांकित अंपायर शाहपुर तालुके में उनका नाम मशहूर है। अगली गेंद का सामना करेंगे दिगंबर। बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया वहां पर उमेश वारगड़े खिलाड़ी मौजूद है। रणजीत के बल्ले से निकलता हुआ यहां पर कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा 59 रन बन चुके हैं। रानू जी मैदान पर अभी हम मैच देख रहे हैं, खूबसूरत मैच यहां पर चल रहा है, दोनों के बीच में खूबसूरती का मजा ले रहे हैं, दर्शक काफी मौजूद यहां पर। सेदार क्या वहां पर सीमा रेखा की ओर आ रहे हैं, जब तक कि गेंद वहां पर गलती बार बार गलती हो रही है और उसी प्रकार से जब तक गेंद फील्ड करें दो रन का इजाफा मिला है और इस दो रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा है 61 रन। 61 रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा है, जैसे कि तीन विकेट गंवा दिए हैं। रणजीत अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं, दीपक के लिए गेंद हवा में, गेंद है समालोचन कक्ष की ओर आ रही है, देखना है कि यहां पर ये विकेट का पतन बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर जज किया था जरूर, लेकिन ना थोड़ी बहुत गलती हो चुकी थी, थोड़ी बहुत गलती होता है ऐसे क्रिकेट में, बहुत सारे ऐसे भी है ना बुजुर्ग खिलाड़ी है अनुभवी खिलाड़ी ऐसे होता है, तो हमारी बात क्या है कुछ अलग बात है, लेकिन अच्छा प्रयास अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर भगवान की। और अभी देख रहे हैं कि भगवान जा रहे हैं, दीपक की पारी का अंत, तीन रन जोड़ दिए दीपक ने और देखना है कि भगवान अभी उनकी जगह चले गए हैं। सामने है रणजीत के लिए गेंद, खेलने का प्रयास हवा में, गेंद जरूर थी वहां पर लेकिन उछालने का प्रयास किया था वहां पर, और इस ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर कार्ड पहुंचा है 61 रन और जीतने के लिए 62 रन का लक्ष्य है। 30 गेंदों में 30 चेंडू आनी 62 धवा, 30 गेंदों में 62 रन का लक्ष्य रखा है आदर्श वेलुक टीम के सामने। आदर्श वेलुक टीम के जो कि नामांकित गेंदबाज है उनका मैं विश्लेषण करूंगा इस प्रकार से, जो कि आदर्श वेलुक टीम ने टॉस जीत का पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जय हनुमान मांडोशी टीम के लिए। जय हनुमान मांडोशी टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज योगेश और महेश, काफी अच्छा साथ मिला था योगेश और महेश का, जिन्होंने योगेश ने प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए 30 रन जोड़े दिए थे अपने टीम के लिए और महेश ने 20 रन। किरण ने अपने टीम के लिए कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन रणजीत ने अपने टीम के लिए 14 रन जोड़ दिए हैं। उसके बावजूद दीपक ने 3 रन, कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा है 61 रन जीतने के लिए 62 रन। देखना है कि आदर्श वेलुक टीम किस प्रकार से उसका मुकाबला करती है। हार जीत का फैसला दोस्तों होता रहता है। नितिन चौधरी आप जहां पर भी हो, हमारे मित्र यहां पर जॉन्टी संतोष आदरकारी उनका भी यहां पर आगमन हो चुका है, रतन संदीप वारगड़े उनका भी यहां पर आगमन हो चुका है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आदर्श वेलुक टीम और जय हनुमान मांडोशी टीम के बीच में यह मैच जारी है। आप देख रहे हैं कि 62 रन 60 गेंदों में 62 रन किस प्रकार से जोड़ते हैं दोस्तों। कुठला वाशेरे संघाचे कर्णधार आणि गुरवली संघाचे कर्णधार, वाशेरी संघाचे कर्णधार आणि गुरवली संघाचे कर्णधार, आपण त्वरित समालोचन कक्ष करूया नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी। पाणी पाहिजे, अच्छा ए पंचांना पाणी घेऊन जा रे, ए पंचांना पाणी घेऊन जा, छान। आमचे क्वालिफाईड पंच सचिन चौधरी आणि अक्षय साबळे, एक मिनट उमेश खारो चालते ना। आदर्श वेलुक टीम के सामने जो लक्ष्य रखा है वह 62 रन का लक्ष्य रखा है,
30 गेंदों में 62 रन। अभी भी मेरे मित्र उमेश वारगड़े कह रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उन्होंने कल ही दो दिन पहले मुझे बात हो चुकी थी संतोष अधिकारी कि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम खेलने का प्रयास जरूर करेंगे और उसी प्रकार से यहाँ पर वह खेलने के लिए आए हैं। आज कुल उन्होंने बताया मुझे, पाटिल सर मैं आज अपना दुकान बंद करूंगा और स्वयं खेलने के लिए आऊंगा, इतवार का दिन आपके लिए दूंगा। तो यही एक हंसी, यही एक खुशी, मन की खुशी होती है, अंतर मन की खुशी होती है, क्योंकि नाणेफेकी सकोल करण्यासाठी दोन्ही संघाचे संघनायक आलोकर वाशेरे आणि गुरवली, वाशेरे संघाचे संघनायक त्वरित या आणि गुरवली संघाचे, गुरवली आले, नाणेफेकीचा कॉल करतात आमचे या ठिकाणी पवार साहेब, हा कॅमेरामॅन जरा इकडे बघा, नाणेफेकीचा कॉल होत आहे या ठिकाणी, मॅच थांबा जरा, सचिन चौधरी मॅच थांबा, थोडं थांबा, नाणेफेकीचा कॉल होतो या ठिकाणी, वाशेरे वर्सेस गुरवली दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी पवार साहेब नाणेफेकीचा कॉल करत आहेत, नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी झालेला आहे, ओके, गुरवली संघानं नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, गुरवली टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है वाशेरी टीम के लिए, धन्यवाद पवार साहब, और दोनों टीम को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, और यहां पर भी मैं आदर्श वेलुक टीम को भी शुभकामना देना चाहता हूं। प्रारंभिक बल्लेबाज रतन, प्रारंभिक बल्लेबाज रतन और दर्शन, देखना है कि रतन और दर्शन अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं, खेलने का प्रयास किया, वहां पर लेग साइड में चली जाने वाली गेंद थी और पहली वहली, यहां पर निर्णय अभी तक तो नहीं आ चुका है, देखना है कि दोनों अंपायर के बीच में कुछ दोनों के बीच में कुछ सूझबूझ जा रही है, नोवल करार कर दिया है यहां पर, और फीट पहली वहली गेंद पर यहां पर सचिन चौधरी, की मैंने कहा कि सचिन चौधरी एक ऑलराउंडर के जरिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, गुंडागांव के सचिन चौधरी, उन्होंने पहली गेंद नोवल दी, फीट है, खेलने का प्रयास किया वहां पर रतन, मुझे ऐसा लग रहा कि रतन वारगड़े को दो षटकार अगर लगाते हैं लगातार तो प्रकाश भंडारी की ओर से 501 का इनाम रखा यहां पर, लगातार दो सीस के लिए इनाम यहां पर 501 का, पहले ओवर की अगली गेंद का सामना किया रतन, खेलने का प्रयास किया वहां पर हवा में गंजर हुए और आसान से कैच यहां पर और विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन। थोड़ी बहुत नाखुश जरूर होंगे, लेकिन होता है ना क्या कि रतन वारगड़े को मैं देखता हूँ करीबन 20 साल से, मैं उनको खेलते देखता हूँ, यहाँ पर फिर से गेंद आने का प्रयास किया और साइड में चले जाने वाली गेंद थी और ये वाइड करार कर दिया है, एक रन का इजाफा मिला है, और एक एक दो दो रन से काम ये जमने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जय हनुमान टीम ने छक्के और चौकों की बरसात की थी उसी प्रकार से बरसात होनी चाहिए, यहाँ पर देखना है कि दर्शन और मेरे ख्याल से जगन, दर्शन और जगन आपके लिए क्या कर पाते हैं, अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, अगली गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास किया था, ऑफ साइड में गेंद जरूर थी लेकिन बल्लेबाज तो देखते रह गए, लेकिन उसी प्रकार से निर्णय जो है वह सही निर्णय देने का फैसला वहां पर किया है और उसी जगह पर रुकता हुआ नजर आ रहे हैं, स्कोर कार्ड पहुंचा, अभी भी 2 रन मिल चुके हैं, अगली गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास किया है, एक साक ओवर के ऊपर से खेलेंगे, हवा में गेंद जरूर थी वहां पर, जब तक गेंद फील्ड करे दौड़कर 2 रन पूरे किए, अच्छी रनिंग रफ्तार दोनों के बीच में, रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही बेहतरीन रनिंग, जैसे कि अगर रनिंग के बारे में कहूंगा तो हमारे जॉन्टी यहां पर खड़े हैं, क्योंकि साकुरली के जॉन्टी अगली गेंद का सामना करेंगे, दर्शन
खेलने का प्रयास किया और लॉन्ग आउट पर क्षेत्र में खेला है सीमा रेखा की ओर और ये चार रन। अच्छा शॉट खेलने का प्रयास और इस चार रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा है 8 रन बन चुके हैं। दर्शन के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। डीजे मास्टर नितिन की गेंद का सामना करेंगे दर्शन, किस प्रकार से अपना बल्ला घुमाते हैं। खेलने का प्रयास किया उसके क्षेत्र में खेला वहां पर, जब तक गेंद फील्ड करे खतरनाक साबित हो सकता था वहां पर। निश्चित तौर पर अगर वहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण होता तो निश्चित तौर पर आत्महत्या के जरिए विकेट का जरूर पतन होता था, लेकिन अच्छी रनिंग रफ्तार दोनों के बीच में आदर्श वेलू टीम के सामने जो स्कोर कार्ड रखा है पहली ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 9 रन। काफी नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है वहां पर नितिन ने, अपने टीम के लिए अच्छा खासा प्रदर्शन जरूर किया है। एक विकेट तो गिर चुका है 1 रन पर पहले विकेट का पतन। आदर्श वेलू टीम के सामने 62 रन का लक्ष्य रखा है, तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, बोल नहीं सकते अंतिम गेंद तक, लेकिन अगर प्रारंभिक बल्लेबाज अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होता है। साकुरली का यह रानोजी मैदान, इस रानोजी मैदान पर आप 21 तारीख से यह मैच का सिलसिला जारी है। काफी खूबसूरत मैच यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सतीश गेंदबाजी का भार संभालेंगे सतीश और सामना करेंगे दर्शन जो 7 रन पर खेल रहे हैं। खेलने का प्रयास किया ओवर से क्षेत्र में खेला जाते थे वहां पर, जब तक गेंद फील्ड करे 1 रन और ये वाइड करार कर दिया है और वाइड से भी 1 रन मिला, कुल मिलाकर यहां पर 2 रन। मैंने कहा कि सब कुछ निर्भर होता है बल्लेबाज के ऊपर और गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाज अपने गेंदबाजी का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं। आप देख रहे हैं आदर्श वेलू टीम और जय हनुमान मांडोशी के बीच में यह मैच। अगली गेंद का सामना करेंगे जगन, बहुत अच्छी गेंद ऑफसाइड में खेलने का प्रयास किया वहां पर, जब तक गेंद फील करे 1 रन का इजाफा मिला और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा अच्छी गेंद थी खेलने का प्रयास जगन ने, अगर प्रैक्टिस होती मेरे ख्याल से तो निश्चित तौर पर वह अच्छे रन मिल सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 रन का इजाफा तो जरूर मिल चुका है। स्कोर कार्ड पहुंचा है 12 रन बन चुके हैं। नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, बांध कर रखा है बल्लेबाज को आदर्श बल्लेबाज, आदर्श टीम के जो आदर्श बल्लेबाज है उनको बांध कर रखा है। अगली गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास और यहां पर ये किंग बोल्ड। लेकिन अभी तक तो छक्का नहीं लगा है। प्रकाश भंडारी का इनाम मेरे पास आया है 501 का, 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को यहां पर 501 का इनाम। अगली गेंद का सामना करेंगे दिगंबर, खेलने का प्रयास किया वहां पर लेकिन थोड़ा बहुत गलत क्षेत्ररक्षण हो चुका है। दिगंबर के बल्ले से निकलता हुआ यहां पर पहली 1 रन का इजाफा मिला है। 1-1, 2-2 रन से काम तो बनने वाला नहीं है। पहला ओवर डाला था नितिन ने, वहां पर उन्हें 9 रन दिए थे। सतीश ने भी काफी आक्रामक गेंदबाज का, सतीश एक छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं जो हनुमान मांडोशी टीम के, निश्चित तौर पर सराहना करूंगा। खेलने का प्रयास किया उसके लिए क्षेत्र में सीमा रेखा की ओर यहां पर अचौर, वहां पर थोड़ा बहुत गलत क्षेत्ररक्षण हो चुका है। जब तक गेंद फील करे प्याज को किस प्रकार से लेना, वह अगर आदर्श लेना है तो हमारे जॉन्टी रोड से कैच आसान बनाते थे वह साउथ अफ्रीका के जबरदस्त क्षेत्ररक्षक, जगविख्यात क्षेत्ररक्षक जिनका नाम मशहूर है जॉन्टी। अगली गेंद का सामना करेंगे दिगंबर,
इनका प्रयास क्या वहां पर, थोड़ी बहुत तो गलती हो चुकी है, प्रयास होता है लेकिन ऐसा, लेकिन मुनाफा जरूर बल्लेबाज को मिल जाता है। दर्शन मेरे ख्याल से रणजीत थोड़े बहुत फिसल गए वहां पर, थोड़ी बहुत होती है, हड़बड़ाहट निर्माण हो जाती है, लेकिन दर्शक मैं दर्शन के लिए मैं सराहना करूंगा वहां पर रणजीत की, कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना क्षेत्ररक्षण किया। स्कोर कार्ड पहुंचे 15 रन बन चुके हैं, अगली गेंद का सामना करेंगे जगन, बहुत अच्छी गेंद फुल ड्रॉप करते सीमा रेखा की ओर आए, सीमा रेखा की ओर जा रही गेंद और यहां पर आसान से कैच है, विकेट का पतन। डीजे मास्टर दौर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 15 रन बन चुके हैं, पहले विकेट का पतन 1 रन पर, दूसरे विकेट का पतन 12 रन पर और तीसरे विकेट का पतन 15 रन पर, और नए गेंदबाज आए हैं रमेश, जय हनुमान मांदोशी टीम के रमेश अभी गेंदबाजी का भार संभालेंगे, किस प्रकार से अपने गेंदबाजी का भार संभालते हैं अगला मैच आपको देखने के लिए मिलेगा इस मैदान पर वाशेरे और गुरवली के बीच में। गुरवली टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया वाशेरे टीम के लिए। यहां पर आप जो मैच देख रहे हैं जय हनुमान मांदोशी और आदर्श विलुक टीम के, 18 गेंद में 47 रन, 18 चेंडू आणि 47 धावांचा आव्हान आहे समोर, सामने बल्लेबाज है आदर्श विलुक टीम के आदर्श कप्तान उमेश वारगडे, मेरे साथी कॉमेडिटर मराठी में खूबसूरत कॉमेडी देते हैं, सही निर्णय देते हैं, बहुत बार वो अंपायर का कामकाज करते हैं, तो वही उमेश वारगडे अपने टीम के लिए किस प्रकार से सजाते हैं, इतना आसान तो नहीं है लेकिन मैं मुश्किल भी नहीं कहूंगा। 18 गेंदों में 47 रन, 18 चेंडू आणि समीकरण आहे ते 47 धावांचं, जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 47 धावा, किस प्रकार से पार करते हैं नैया, किने का प्रयास, ते दाव खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज उमेश वारगडे, जैसे कि प्रकाश भंडारी की ओर से यहां पर 501 का इनाम आदर्श विलुक टीम के लिए रखा है, किस प्रकार से अपना बल्ला घुमाते हैं, किस प्रकार से इनाम प्राप्त करते हैं अपने टीम के लिए, किस प्रकार से सजाते हैं, आंखों देखा हाल देखने वाले सुनने वाले सभी दर्शकों का यहां पर पाली सर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। रमेश की गेंद का सामना करेंगे उमेश, उमेश के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हवा में गेंद जरूर है वहां पर, खेला जरूर था लेकिन तीन खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद फील करे खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन गलत क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षण बहुत अच्छा किया था लेकिन अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए और उसका नतीजा यही हुआ कि 2 रन का इजाफा उमेश वारगडे के लिए। उमेश के बल्लेबाजी की सराहना करूंगा इसलिए उमेश डिफेंस बहुत अच्छे करते हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन इसी समय प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, इसी समय जरूरत है छक्के और चौकों की, यहां पर इस मैदान पर छक्के और चौकों की जरूरत है क्योंकि समय उस प्रकार से आ चुका है। आप इस रानोजी मैदान पर यह मैच देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जितने सारे दर्शक यह मैच देख रहे हैं मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। अगली गेंद का सामना करेंगे उमेश, उमेश के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, खेलने का प्रयास यहां पर लेकिन चकमा खा गए बल्लेबाज, निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी रमेश की, एक नामांकित जय हनुमान मांडुशी टीम के रमेश काफी अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जय हनुमान मांडुशी टीम है वह नामांकित टीम लग रही है, अच्छे गेंदबाज अच्छे बल्लेबाज है, अगली गेंद का सामना करेंगे, बहुत अच्छी गेंद, खेलने का प्रयास वहां पर लेकिन उन्होंने कहा कि एक एक दो दो रन से कुछ होने वाला नहीं है इसलिए उन्होंने उसी जगह पर रखा है। दिगंबर ने कहा कि कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक दो दो रन से काम बनने वाला नहीं है, अब देखना है कि किस प्रकार से अपने नैया को पार करते हैं, आसान नहीं है लेकिन तो देखते हैं बल्लेबाज किस प्रकार बल्ला घुमाते,
किन का प्रयास किया हवा में गेंद, लेकिन हवा में ही बल्ला और इस ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा है 17 रन बन चुके हैं। तीसरा षटकार नंतर धाव संख्या पहुंचती 30-17 च्या घरामध्ये। समालोचन कक्ष में हमारे बहुत सारे दर्शक मौजूद है। समालोचन कक्ष में कई मान्यवर यहां पर गण उपस्थित है। मैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। कितना प्यार मिला है दोस्तों, 21 तारीख 1999 से यहां पर, जैसे कि डोरखाम में न्यू स्कूल डोरखाम में एक अध्यापक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था रई शिक्षण संस्था के माध्यम से, और तब से प्यार मिला है, आज तक प्यार मिला है। अगली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद यहां पर वाइड करार कर दिया है, धन्यवाद यहां पर सचिन जो कि क्वालिफाइड अंपायर सचिन चौधरी। दिगंबर राइट हैंड बल्लेबाज और गेंदबाज है अप्पा। अप्पा अपनी टीम के लिए क्या कर पाते, अप्पा की गेंद सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद खेलेगा, फिर एक कोर के ऊपर से खेले सीवा रेखा की ओर जा रही गेंद, जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा, जब तक और रनिंग रफ्तार दोनों के बीच में अच्छी रनिंग रफ्तार, जब तक गेंद फील करे दो रन का इजाफा। चौथा ओवर जारी है, एक एक दो दो रन से काम जमने वाला नहीं है, लेकिन आदर्श वेलुक टीम प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जय हनुमान मांडोशी टीम के जो गेंदबाज है वो काफी आक्रामक गेंदबाज है। अगली गेंद का सामना करेंगे, इसके लिए क्षेत्र वहां पर लौंगा के क्षेत्र में खेला है, जब तक ये गेंद फील करे एक रन का इजाफा। अच्छा क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, स्कोर कार्ड पहुंचा है 21 रन। मैंने कहा कि 62 रन का लक्ष्य, मुश्किल सा लक्ष्य लेकिन आसान किस प्रकार से बनाएंगे। चौथा ओवर जारी है, अप्पा की गेंद का सामना करेंगे उमेश, लेग साइड में खेलने का प्रयास और यहां पर ये अंपायर के जरिए वाइड करार कर दिया है, अतिरिक्त रन मिला है। लेग साइड में चली जाने वाली गेंद थी और इस एक रन के बदले से स्कोर कार्ड पहुंचा है 62 रन बन चुके हैं, अभी भी 41 रन चाहिए 10 गेंदों में। अगली गेंद का सामना करेंगे, हर एक गेंद पर चौका, 40 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए, मतलब एक एक गेंद पर बाउंड्री चाहिए, तो इतना आसान नहीं हो सकता ना, आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन उमेश ने जो प्रयास किया था, अप्पा अप्पा की गेंद का सामना करेंगे दिगंबर, दिगंबर के लिए गेंद, किने का प्रयास किया एक रन का तो इजाफा मिला और पॉइंट के क्षेत्र में एक रन, और जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा मिला है, और एक एक दो दो रन से तो काम बनने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर मैच जीतना है तो हर एक गेंद पर चौका, और इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन देखना है कि क्या कर पाते हैं। लेकिन मैं सराहना करूंगा जय हनुमान मांडोशी टीम की, जो गेंदबाज है, बल्लेबाज है, क्षेत्ररक्षक है, किन का प्रयास, एक और के ऊपर से खेला सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है, एक रन दौड़कर पूरे के दूसरे जगह दौड़ना चाहते हैं, जब तक कि गेंद फील करे दौड़कर दो रन पूरे किए हैं, तीसरा रन के लिए भी दौड़े हैं, यहां पर 3 रन दौड़कर 3 रन पूरे किए हैं। निश्चित तौर पर सराहना जरूर करूंगा कि अभी तक जो जितने सारे दोस्तों वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 12 विश्व वर्ल्ड कप हो चुके हैं दोस्तों, तो उसमें 5 वर्ल्ड कप जो है विश्व वर्ल्ड कप, वह 5 विश्व वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड जो है हवा में गेंद जरूर है, और यहां पर कैच। धन्यवाद, 6 गेंदों में 35 रन, 7 चेंडों 35 धावा, 6 गेंदों में 35 रन बनाने हैं, तो हर एक गेंद पर छक्का चाहिए। तो अभी क्या अभी युवराज सिंह करेंगे, युवराज सिंह की याद यहां पर आई है, हर्षल गिब्स की याद हमें आ रही है, खेलने का प्रयास वहां पर।
निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी गेंदबाज की, जय हनुमान मांडोशी टीम की सराहना करनी होगी। मैंने एक आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं कि दोस्तों वर्ल्ड कप जीते हैं, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो 5 वर्ल्ड कप इसलिए जीते हैं कि उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे क्षेत्ररक्षक है। भारत के नाम पर 2 विश्व वर्ल्ड कप है, तो वेस्ट इंडीज के नाम पर 2 वर्ल्ड कप है। जैसे कि 75 का पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के नाम, दूसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के नाम, लेकिन तीसरा वर्ल्ड कप जो है वह भारत के नाम है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि वही टीम विजय श्री प्राप्त करती है जिस टीम के अंदर अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे क्षेत्ररक्षक है। उसी प्रकार से टीम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सभी टीम तो इसी प्रकार से नहीं हो सकते हैं। और यहां पर विकेट का पतन अक्षय साबले ने जो सही निर्णय दिया है। प्रकाश आप चले जाइए, प्रकाश नहीं, अच्छा तो मौका देते हैं बल्लेबाज को। बहुत ही बेहतरीन धुन बजाई, नाचेंगे वही, गाएंगे भी वही, और घूमेंगे भी वही, और हंसी मजाक वही करेंगे जो टीम जीतने वाली है दोस्तों। अगली गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज, छोटे कद के बल्लेबाज, स्क्वायर क्षेत्र में खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन एक रन का जब तक गेंद फील करे एक रन का इजाफा, 5 ओवर यहां पर जारी है। और निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी कि जो गेंदबाज है, जय हनुमान टीम के जो गेंदबाज है उनकी मैं सराहना करूंगा, बल्लेबाज की सराहना करूंगा, क्योंकि बल्लेबाज ने जो करिश्मा किया था, योगेश और महेश ने प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, काफी अच्छा स्कोर कर। अभी देखना है कि उमेश अपनी टीम के लिए क्या करता है। उमेश सेट डाउन किया वहां पर, और इस ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बावजूद यह जय हनुमान मांडोशी टीम है वह जीत की ओर बढ़ चुकी है। हार्दिक 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, और उमेश की जो टीम है हमारी आदर्श वेलो टीम के टीम जो है उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोशिश की थी उन्होंने जरूर, प्रयास किया था उन्होंने जरूर, लेकिन आखिरकार वह हार चुके। लेकिन एक खेलने के लिए यहां पर जैसे आए थे हमारे मित्र उमेश वारगड़े, 2 दिन पहले मेरी बात हुई